गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे आई एम अगेन हियर विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सोलूशन के प्रिपरेशन में जो प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स पर या सिंपली द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एडेड पर डिपेंड करती हैं एंड सच प्रॉपर्टीज नोन एज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर मतलब जब आप किसी सोल्यूशन की प्रिपेशन करते हो तो उस प्रिपरेशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी एड कर रहे हो मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ सिर्फ आपके सोल्यूट की क्वांटिटी की बात कर रहा हूं एंड सच प्रॉपर्टीज नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है और उस स्कूल के अंदर जो स्कूल की इनकम है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर उन पर डिपेंड करेगी तो याद रखिएगा स्कूल इनकम इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट चाहे बच्चा पढ़ने में अच्छा है पढ़ने में खराब है लेकिन जो बेसिकली प्रॉपर्टीज का रिलेशन की बात करूंगा इनकम ऑफ द स्कूल डिपेंड्स ओनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेकिन जब स्कूल के रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट तो रिजल्ट एंड इनकम आर द टू सेपरेट प्रॉपर्टीज हेयर एक प्रॉपर्टीज जो आपकी कहलाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है आपकी बेसिकली स्कूल इनकम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिपेंड करेगी और जो स्कूल रिजल्ट है वो क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा तो आउट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस हेयर फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हेयर एक जो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर है दूसरी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिव प्रेशर तीसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट और चौथी प्रॉपर्टी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आउट ऑफ दीस मैं जिस प्रॉपर्टी को पहले लेता हूं उसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कुछ टर्म्स आपके लिए फेमिलियर है जो राउल्ट लॉ का सेकेंड केस मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में उस वीडियो को ही मैं यहां पर समराइज कर रहा हूं क्या फॉर्म है अगर मैं एक सिंपल से ओपन इस क्लोज कंटेनर के अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को हीटअप करता हूं तो वेपर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की बनेगी और जो प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा जो वेपर्स इस सरफेस पर प्रेशर लगाएंगी उसको आप पी नॉट ए बोलोगे मतलब वेपर प्रेशर बोलोगे जब आप इसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हो किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की तो अब भी सोल्यूट की क्वांटिटी ऐड करने पर भी अभी भी वेपर सोलेंट की बनेंगी क्योंकि सोल्यूट खुद कैसा है नॉन वोलाटाइल है तो अब आप इसको वेपर प्रेशर ना करके क्या बोलेंगे पीएस बोलेंगे और राउल्ट लॉ के सेकंड केस में आपने पढ़ लिया था कि जो पी ए होता है दैट इज इक्वल टू पी एस तो उसी रिलेशन को मैंने यहां अप्लाई किया आप सभी ने पढ़ा है राउल लॉ के अकॉर्डिंग कि दिस पी ए इज इक्वल टू का इन टू पी नॉट ए जब मैं ये रिलेशन यहां अप्लाई कर देता हूं तो जहां पर पी ए लिखा है वहां पर मैंने क्या लिख दिया पी एस एंड दिस पी एस इज इक्वल टू का इन टू पी नॉट ए इसको रीअरेंज कर लीजिए तो दिस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू का इतना करने के बाद अब जो नेक्स्ट कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या मिला रिलेशन मुझे उसमें रिलेशन मिलेगा कि दिस पी ए जो नेक्स्ट रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या है

स काइबी इज इक्वल टू वन होता है और फाइनली जो रेशन निकल के आया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी जहां पर पी नॉट ए माइनस पीएस क्या है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लो का सेकेंड केस ध्यान रखेगा उसी केस के बारे में फिर से पढ़ा रहा हूं मैं एंड पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर